हेलो गाइस, भाई मोहम्मद गारी और मिस्टर जेडी के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो गाइस आप ये कढ़ाई देख लीजिए, सोच रहे होंगे कि आज हम इस कढ़ाई का क्या करने वाले हैं या इसके अंदर कुछ बनाने वाले हैं। तो गाइस आपने इस तरह गोल्डन फिंगर्स बहुत देखी होगी और आप तेल में पकाकर मसाले डालकर बहुत खाई भी होगी, लेकिन आपको पता है यदि हम कोई चीज को तेल के अंदर पकाकर खाते हैं तो उसे कुछ ना कुछ शरीर के अंदर नुकसान जरूर होता है। तो गोल्डन फिंगर इनको आज हम नेचुरल तरीके से मिट्टी की सहायता से पकाने वाले हैं। तो गाइस हम इसको नेचुरल तरीके से मिट्टी की सहायता से कैसे पकाएंगे, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिट्टी है इसको हम कढ़ाई के अंदर गर्म करने वाले हैं। तो फटाफट से जो मिट्टी है इसको पहले गर्म करते हैं। तो गाइस फटाफट से गैस के ऊपर जो कढ़ाई है इसके अंदर जो मिट्टी है वो डालते हैं। पहले जो मिट्टी है सबसे पहले वो कढ़ाई के अंदर डालते हैं। गाइस जो मिट्टी है फटाफट से जो कढ़ाई है इसके अंदर डालते हैं। फटाफट से जो गैस है इसको गर्म करते हैं और जो मिट्टी है इसको गर्म करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितना टाइम लगता है। तो गाइस जो मिट्टी है इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो मिट्टी है वो एकदम काली हो चुकी है। वो गाय जब इसको लेके चलते हैं जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है और अब क्या करने वाले हैं, जो गोल्डन फिंगर है इनको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर डालने वाले हैं और इसके अंदर हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। और गाइस ये इसको पकाने का एकदम नेचुरल तरीका है। तो गाइस हमने इसको मिट्टी के अंदर डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं जो हमारी गोल्डन फिंगर है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मिट्टी के अंदर से बाहर निकल रही है। थोड़ी देर वेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको पकने के अंदर। और गाइस ये देखते हैं जो कोई पौधे कोंकल होती है उस तरह से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारी जो गोल्डन फिंगर है वो इस तरह की पक चुकी है। और गाइस ये तेल के अंदर पकने से ज्यादा अच्छा है कि इसको अंदर इसको मिट्टी के अंदर पकाकर हम खाते हैं। तो जो मिट्टी होती है वो कोई भी नुकसान नहीं करती है, इसके अंदर थोड़ी बहुत भी होती है। तो गाइस ये एकदम मिट्टी इसके अंदर कुछ भी नहीं लगी हुई है, थोड़ी बहुत लगी हुई है जो कि हमारे लिए कुछ भी नुकसान नहीं करती है। गाइस ये तेल से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। गाइस ये इस तरह की गोल्डन फिंगर हमारी पक चुकी है, इसको टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और गाइस जो भी हाउस वाइफ इस वीडियो को देख रही है वो कमेंट करके बताना कि मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। इसका जो टेस्ट है एकदम अच्छा है और ये जली भी नहीं है, और ये गाइस ये जली हुई भी नहीं लग रही है। तो गाइस जिसको भी खाना है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस जो मिट्टी है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाती है, तो आप इसको जो गैस के ऊपर रख के धीरे धीरे इसको बना सकते हैं। और गाइस कमेंट करके बताना जो गोल्डन फिंगर है तो आप इनको क्या बोलते हैं। तो गाइस हमारा आइडिया आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।